सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा। अक्सर जब हम बनाने का हलवा सोचते हैं और खासकर बेसन का, तो हमें ऐसा लगता है कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इसको बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी बनाने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि बेसन का हलवा बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो एक कप मैंने बेसन लिया है, आप चाहें तो बारीक वाला भी ले सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा जो मोटा होता है वो भी ले सकते हैं। और हलवे को थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर देने के लिए हमने ली है 2 टेबलस्पून सूजी, ये बारीक वाली सूजी है। और मैंने लिया है आधा कप चीनी और उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून और डाल दी है। आप चाहें तो आधा कप ही ले सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ी सी ज्यादा भी ले सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है ये। और आधा कप मैंने लिया है देसी घी और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये है काजू, बादाम और पिस्ते जो कि हमारे हलवे के अंदर जाने वाले हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने केसर ली है, आप चाहें तो केसर की जगह कोई भी फ्रूट का कलर यूज कर सकते हैं। तो हलवा बनाने के लिए हम पहले थोड़ा सा पानी को गर्म करके उसमें अपनी चाशनी बना लेंगे। चाशनी मतलब ये नहीं है कि हमें एक तार की या कोई बहुत थिक सी चाशनी बनानी है, हमें सिर्फ चीनी घुलानी है ताकि जब हम अपना हलवा बनाएं तो हम इसका चीनी का पानी उसमें डाल दें और वो आसानी से घुल जाए। तो एक कप मैंने लिया है पानी और उसके अंदर ये अपनी चीनी डाल दी है और साथ ही में डाल देते हैं केसर ताकि केसर जो है वो अपना कलर छोड़ दे। और बस हमें इसे इतना पकाना है कि जो चीनी है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये घुल जाए। तो बस ये मैं आपको घोलने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए चीनी अच्छे से हमारी घुल गई है, बस इससे ज्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो इसको अब हम एक साइड में रख देते हैं। अब ले लिया है हमने एक पैन और इसके अंदर 1 टीस्पून हमने देसी घी डाल दिया है जो हमने अभी हलवे के लिए बचा के रखा है, उसी को ही लिया है। और इसमें हम काजू और बादाम को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इन पर लाइट सा कलर नहीं आ जाता। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, गैस हम बंद कर देते हैं और इनको एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। हलवा बनाने के लिए अब ले ली है हमने एक भारी पैंदे की कढ़ाई और इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना देसी घी, थोड़ा सा हम बचा लेंगे जो कि हम लास्ट में डालेंगे। ये बस मैंने इतना ही ये बचा लिया है और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं सूजी और बेसन। और इनको अब हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर अब हम इसे भूनेंगे। तो पहले जितना भी घी है हमारा वो सूजी और बेसन एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा लिक्विडी होने लगेगा। तो बस पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना शुरू करती हूँ। ये देखिए इसने अभी से ही सारा घी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। बस लगातार चलाते हुए मैं इसको भूनती हूँ और हमारी फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए। तो देखिए बेसन ने पूरा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। बस अभी मैं आपको जब दिखाऊंगी जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा और थोड़ा सा ये लिक्विडी हो जाएगा। तो बेसन को भूनते हुए हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर 1 चम्मच घी, 1 चम्मच अभी भी बचा हुआ है। तो इसको अब फिर से हम भूनेंगे और देखिए कलर भी बेसन का हमारा काफी हद तक चेंज हो गया है। ये देखिए आप कलर देखिए। और बीच बीच में बस 1-2 बार ही मैंने कुछ सेकंड के लिए ही अपना हाथ इसमें चलाना रोका है, वरना इसको मैं कंटिन्यूस चला रही हूँ। ये देखिए अब ये लिक्विडी हो गया है, थोड़ी देर बस और पकाऊंगी मैं इसको।
देखिए हमारा जो हलवा है उसका बेसन का कलर एकदम चेंज हो गया है। बस इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे और अब हम इसके अंदर बिल्कुल लो फ्लेम पर डाल देते हैं चाशनी जो हमने बना के रखी थी और चला लेते हैं इसे जल्दी से। देखिए कितना खूबसूरत जो हमारा हलवा है उसका कलर आया है क्योंकि हमने इसको अच्छे से भून लिया था। तो बस अब मैं इसके अंदर डालती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो बस इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर हम इसको और भूनेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और अगर आपको ज्यादा देर इसको रखना है तो थोड़ा सा पतला रखिएगा और अगर अभी खाना है तो फिर आप इसको इस स्टेज पर बिल्कुल ये ठीक है ऐसे ही रख सकते हैं। बस एक दो मिनट में इसको और भून रही हूं और अभी हमारा जो घी है वो एक चम्मच अभी भी बचा हुआ है। टेक्सचर देखिए इसका कितना जबरदस्त टेक्सचर आया है और कलर देखिए आप। और एकदम आसानी से और जल्दी से ये बन गया है। तो बस हलवा हमारा हो गया है रेडी और बचा हुआ हम डाल देते हैं इसके अंदर घी। ताकि इस पर अच्छी सी एक शाइन आ जाए और गैस को बंद कर देते हैं और बस आपको अब मैं ये हलवा डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए तैयार है हमारा बेसन का हलवा और इसका आप कलर देखिए कितना शानदार भुना हुआ इसका एकदम जो टेक्सचर है वो है और कलर है। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।